गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एलएफसीएस ऑनलाइन क्लास. इन द लास्ट वीडियो वी हैड स्टडीड अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. यू हैव कम टू नो अबाउट द व्हाट आर द फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. फर्स्ट यू स्टडीड अबाउट रॉ मटेरियल्स, मार्केट, लेबर, बैंक फैसिलिटी, पावर सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल्सो सम गवर्नमेंट पॉलिसीज. दीज आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक. द नेम ऑफ टॉपिक इज इंडस्ट्रियल रीजन्स. These industrial regions we will discuss in two parts. First one, industrial region of the world. We will study about the major industrial regions of the world and also major industrial region of our country means India. Okay, these two topics we will discuss today. Okay, so let's open your book and go through your main topic. Industrial regions. Industries are not uniformly distributed in the entire world. We have seen that industries are not located in all the world evenly. आपने देखा ना कि पूरी दुनिया में जो industry है वो बराबर का नहीं है. यानी कहीं ज़्यादा इंडस्ट्रीज है, कहीं बहुत कम है भाई, और कहीं पर बिल्कुल ही नहीं है. इस तरह से यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. ठीक, द रीजन इज सिंपल. और ऐसा क्यों, व्हाई दिस हैपन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज आर नॉट इक्वल, व्हाई दिस हैपन. द सिंपल रीजन इज दैट द फैक्टर्स अफेक्टिंग देयर लोकेशन आर नॉट सेम एवरीवेयर. सपोज क्या है कि सपोज यू हैव एस्टेब्लिश्ड वन इंडस्ट्री हियर एंड दिस इंडस्ट्री मे बी फार अवे फ्रॉम सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, मे बी वन फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल हियर, मीन्स ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इज नॉट हियर. ना कुछ ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं कि जो फैक्टर्स हैं उसमें से कोई दो एक फैक्टर्स नहीं होते हैं. ठीक है ना, एक दो फैक्टर्स इसमें नहीं होते हैं. द फैक्टर्स अफेक्टिंग देयर लोकेशन आर नॉट सेम एवरीवेयर. इंडस्ट्रियल रीजन्स आर डिफाइंड एज द एरियाज विच हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. हम लोग इंडस्ट्रियल एरियाज या रीजन्स क्यों कहते हैं, बिकॉज इन दैट एरिया मोस्टली इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड. यानी उस एरिया में मोस्टली आपको क्या दिखाई देंगे, इंडस्ट्रीज ही इंडस्ट्रीज आपको दिखाई देंगे. ठीक है, जैसे कि आप देखे होंगे कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह दिखाई देता है, तो उस एरिया में क्या होते हैं, स्पेशली वो कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पर केवल शॉप ही शॉप आपको दिखाई देगा, वो भी एक ही तरह के शॉप आपको दिखाई देंगे. ठीक है ना, तो यहाँ भी इसी तरह से है, वो उस एरिया में इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रीज ही हैं. फैक्ट इंडस्ट्रियल रीजन्स आर डिफाइंड एज द एरियाज विच हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज रीजन्स कैसे, एरियाज विच हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ, उस एरिया में जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज लोकेटेड हैं. ठीक, दे डेवलप व्हेन सेवरल इंडस्ट्रीज क्लस्टर टुगेदर. ये डेवलप कैसे होते हैं, इंडस्ट्रियल रीजन्स कैसे बनते हैं. अब आपने देखा कि हायर कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, तो वो इंडस्ट्रीज कैसे हायर क्लस्टर हुए, क्योंकि कुछ इंडस्ट्रीज क्या हैं, आमने सामने बननी शुरू हुई. दे डेवलप व्हेन सेवरल इंडस्ट्रीज क्लस्टर टुगेदर. ये डेवलप कैसे हुआ कि कई सारे इंडस्ट्रीज एक साथ डेवलप हुए. विच आर रिलेटेड टू ईच अदर, और हर एक इंडस्ट्रीज से जुड़ा हुआ है. सपोज ये इंडस्ट्री है,
और ये इंडस्ट्रीज है, ये इंडस्ट्रीज इससे भी जुड़ा हुआ है और ये इंडस्ट्रीज इससे भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विच आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल्सो डिपेंडेंट फॉर अ प्रोडक्ट्स, और ये दोनों इंडस्ट्रीज एक दूसरे के ऊपर किसी इन प्रोडक्ट्स के लिए डिपेंडेंट हैं, दे आर क्या है इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, किसके लिए, फॉर द प्रोडक्ट्स। इतना फर्स्ट पैरा, आई होप आपको समझ में आ गया अच्छी तरह से, ठीक है, ओके, नाउ लेट्स मूव। मेजर इंडस्ट्रियल, ये समझ में आ गया इंडस्ट्रियल रीजन किसे कहते हैं, ओके। सेकंड, मेजर इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, मीन्स मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, ओके। रीजन कैसे हो गया, रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, ओके। नाउ गिवन बिलो आर द मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, कुछ इम्पॉर्टेंट जो इंडस्ट्रियल रीजन्स है वो दिए गए हैं नीचे। व्हाट आर दीज, ईस्टर्न एशिया इंक्लूडिंग साउथ कोरिया जापान एंड चाइना, लेट्स इंटर इन ईस्टर्न एशिया, हम लोग ईस्टर्न एशिया में इंटर करते हैं, एशिया यू नो, एशिया आपको दिखाई दे रहा है, यस एशिया, तो एशिया के किस तरफ जाएंगे, ईस्टर्न, ईस्टर्न एशिया, साउथ कोरिया, लुक एट हियर दिस साइड, एंड ऑल्सो जापान, जापान आपको दिखा, एंड चाइना, चाइना भी आपको दिखा, चाइना हियर, ओके। एंड नेक्स्ट सेकंड क्या है, ईस्टर्न यूरोप एंड एरियाज अराउंड मॉस्को इन, आपको ईस्टर्न, आप क्या है, ईस्टर्न यूरोप इस साइड में, एंड ऑल्सो मॉस्को, आपको मॉस्को दिखाई दे रहा है, मॉस्को एंड ऑल्सो सम अदर एरिया इंक्लूडेड लाइक सेंट्रल एंड वेस्टर्न यूरोप, आप सेंट्रल और सेंट्रल और वेस्टर्न यूरोप में भी जाएंगे, वहाँ क्या क्या है, यूरोप, वेस्टर्न यूरोप में स्वीडन, जर्मनी, इटली, यूके एंड फ्रांस, ऑल दिस यू हैव टू शो मार्क इन मैप, ओके, इन विच मैप, इन वर्ल्ड मैप, ओके। एंड ऑल्सो एरिया सराउंडिंग ग्रेट लेक्स इन ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, और भी जो एरियाज नॉर्थ अमेरिका में है, कौन सा लेक, ग्रेट स्लेव लेक यहाँ पर भी दिख रहा है, ठीक है, कई सारे लेक्स हैं आपको यहाँ पर दिखेंगे, ठीक है, ग्रेट बियर लेक, ओके, यस, नाउ इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ इंडिया, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द इंडस्ट्रियल रीजन, रीजन्स ऑफ इंडिया, ओके। फर्स्ट, इंडिया, इन इंडिया इंडस्ट्रियल रीजन्स हैव डेवलप्ड अराउंड द पोर्ट्स, पहले पहल इन आवर कंट्री मीन्स इन इंडिया स्पेशली इंडस्ट्रीज डेवलप नियर बाई पोर्ट्स, जैसे कि पोर्ट्स आपने देखा कि जैसे कि आपके गुजरात में कांडला पोर्ट है, तो वो पोर्ट की पोर्ट पर ही क्यों डेवलप हुआ, ऑनली वाई, बिकॉज इट इज़ ईजी फॉर एक्सपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अदर कंट्री, ये आसान हो जाता है कि पोर्ट के जरिए एक कंट्री से दूसरे कंट्री में सामान को भेजा जा सकता है, ओके। पोर्ट्स लाइक चेन्नई, मुंबई एंड कोलकाता, लेट्स सी हियर,
here Chennai, आपको दिखा चेन्नई, कोलकाता, सीन ना, चेन्नई कोलकाता एंड अदर मुंबई, मुंबई ऑल्सो यू कैन सी. ओके, दीज आर द थ्री मेजर इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता. ओके, सो फॉर दिस द ब्रिटिशर्स डेवलप्ड ऑल दीज पोर्ट्स टू एक्वायर रॉ मटेरियल. और ये सारे पोर्ट्स किसके द्वारा ओपन किए गए हैं? बाय द ब्रिटिशर्स. ओनली व्हाई दे हैव ओपन दीज पोर्ट्स? ओनली फॉर गेटिंग रॉ मटेरियल्स, पावर एंड ऑल्सो मार्केट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. रॉ मटेरियल हमारे देश के अलग अलग कोने से जा सके, पावर जा सके एंड ऑल्सो मार्केट फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया. ठीक है, गिवन बिलो आर द मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स इन इंडिया. फर्स्ट मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल रीजन. फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट दिस एरियाज. फर्स्ट मुंबई, मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल एरिया, इसकी बात करते हैं पहले. मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल एरिया. सेकंड वन हुगली इंडस्ट्रियल रीजन. हम लोग कोलकाता यहाँ चलते हैं, हुगली रीजन एरिया. ठीक है, एंड नेक्स्ट नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिस एरिया. ठीक, एंड आफ्टर दिस छोटा नागपुर प्लेटू दिस एरिया. झारखंड के बाद छोटा नागपुर प्लेटू इंडस्ट्रियल रीजन. ठीक, एंड आफ्टर दिस मदुराई कोयम्बतूर, मदुराई कोयम्बतूर. सी हियर, मदुराई कोयम्बतूर. सी ये कोयम्बतूर, के ओ कोयम्बतूर, मथुरा मदुराई. ओके, एंड अहमदाबाद गुजरात, बड़ोदरा इंडस्ट्रियल रीजन. दीज टू इंडस्ट्रियल एरियाज आर इन गुजरात. ओके, ये दोनों इंडस्ट्रियल रीजन कहाँ लोकेटेड हैं? अहमदाबाद एंड बड़ोदरा, दैट इज इन गुजरात. ओके, यू हैव कम टू नो अबाउट इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ वर्ल्ड एज वेल एज इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ आवर कंट्री इंडिया. ओके, आई होप यू गॉट ऑल द पॉइंट्स वेरी क्लियरली. एंड इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज, विच आर मेजर इंडस्ट्रीज, लाइक एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, कॉटन इंडस्ट्रीज एंड ऑल्सो सीमेंट इंडस्ट्रीज. ओके, दे ऑल दीज टॉपिक्स वी विल डिस्कस टुमारो. ओके, सो टुडे ओनली दिस मच. थैंक यू.